स्वामी आत्मनंद कैसे थे वो क्या करते थे और किस तरह से आ, उनकी प्रतिभा कैसी थी वो किन किन महानुभावों के साथ उन्हें संसर्ग करने का अवसर प्राप्त हुआ है संगठन के क्षेत्रों में उनका क्या योगदान रहा है आइए इन विषयों पर जानकारियां प्राप्त करते हैं तो स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशलम अपूर्वम आसित स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था देखिए यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं तब एक अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है तो इसके लिए हमें सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आवश्यकता होती है कौशल की जब जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चल सके ऐसे इनके लिए हमें संगठन कौशल की आवश्यकता होती है तो स्वामी आत्मानंद में यह जो कौशल है संगठन कौशल है वह अपूर्व था अर्थात वे किसी भी चीज़ को सोचते थे और वो कैसे और कहाँ से संपन्न हो सकता था इसके विषय में वे उचित प्रबंधन करने में सर्वथा समर्थ होते थे इसलिए कहा गया स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशल अपूर्व आसीत स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था अपूर्व न पूर्व अपूर्व नए तत्पुरुष समास।, समास विग्रह कर सकते हैं इसको अपूर्व सामासिक पद है न अपूर्व न अपूर्व का समास समास विग्रह करेंगे न पूर्वम इति अपूर्वम नए तत्पुरुष समाज तो स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल कैसा था अपूर्व था अनोखा था तस्य निर्देश ने उनके निर्देशन में संरक्षण च और संरक्षण में मध्य प्रांत मध्य प्रदान मध्य प्रांत में महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ है बहु रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमा सन प्रतिष्ठिता तो उनके निर्देशन में देखिए उन्होंने केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र नारायणपुर अबूझमा क्षेत्र में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं किया अभी तो रायपुर में भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है विवेकानंद आश्रम के नाम से और इसी तरह से केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहे अभी तो उन्होंने मध्य प्रांत में भी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापना किया है उड़ीसा में उन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया है और साथ ही साथ राजस्थान में भी उन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना किया है चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख भी पा रहे हैं तो ये सभी आश्रम जो आप देख रहे हैं ये इनके स्थापना में स्वामी आत्मानंद का अनोखा संगठन कौशल रहा है इसीलिए कहा गया क्या स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत तो उनका संगठन देखिए इतने बड़े बड़े जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक संगठन की आवश्यकता होती है कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है जब तक हम कुशल प्रबंधन नहीं जानेंगे अर्थात प्रबंधन का गुण हम में नहीं होगा तब तक इतने बड़े बड़े कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकते हैं तो स्वामी आत्मानंद ये प्रबंधन के जो विशेष गुण हैं इन गुणों से वे युक्त थे तभी वे बस्तर में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र में उड़ीसा में राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो है ही तो इस तरह से अनेक स्थानों पर उन्होंने राम कृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना करने में वे सफल हुए अयम महापुरुषः इन महापुरुष ने महापुरुष यह सामासिक पद है महान च पुरुष महापुरुष इति धार कर्मधारय समास अर्थात महान है जो पुरुष वह तो महान पुरुष अयम महापुरुष ये महापुरुष शैशव कालादेव शैशव कालात धन एव शैशव कालात धन एव यहाँ पर शैशव कालात धन एव व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ शैशव काल से ही शैशव किसको बोलते हैं अवस्था से ही बाल्य अवस्था से ही मेधावी प्रतिभा संपन्नश्च आसित मेधावी थे तीव्र बुद्धि वाले थे और साथ ही साथ विशेष प्रतिभा से संपन्न भी थे प्रतिभा संपन्नश प्रतिभा संपन्न धन प्रतिभा संपन्न प्रतिभा से संपन्न थे सन तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायाम शिक्षक रूपेण नियुक्तः सौ अड़तीस में अस्य पिता इनके पिता महात्मा गांधी ना स्थापित महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए गए बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय जो कहा था वर्धा में चित्र में आप देख भी पा रहे हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में जो बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना किया गया था उसमें अस्य पिता स्वामी आत्मानंद के पिता शिक्षक रूपेण नियुक्त शिक्षक के रूप में नियुक्त तो हुए थे अर्थात गांधी जी के द्वारा जो बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में इस्था, स्थापित किया गया था वहाँ स्वामी आत्मानंद के पिता स्वामी आत्मानंद के पिता धनी राम तो धनी राम जो है वहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्त तो हुए थे प्रति रविवासरे प्रति रविवारे पिता पुत्रौ प्रत्येक रविवार को पिता पुत्रौ पिता चुत्रच पिता च पुत्र यहाँ पर द्वंद्व समास है तो पिता और पुत्र गांधीन दर्शनार्थम गांधी जी के दर्शन के लिए दर्शनार्थम दर्शन धन अर्थम इति दर्शनार्थम दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ सेवाश्रमम सेवाधन आश्रम इति सेवा सेवा सेवाश्रमम यहाँ पर दीर्घ स्वसंधि का प्रयोग हुआ है ग्छत स्म जाते थे तो प्रति रविवारे प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र पिता और पुत्र दोनों गांधीन दर्शनार्थम गांधी शब्द का ष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है गांधीन तो गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रमम सेवा आश्रम को गच्छतः स्म जाते थे गच्छतः यह शब्द कैसे बनता है गम धातु है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का यह रूप है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तो वे दोनों अच्छा लेकिन गच्छतः कहते हैं यह क्या हो गया ये लटलकार में हुआ लेकिन स्म का प्रयोग हुआ है ध्यान रखिएगा स्म का प्रयोग जब किया जाता है तब जिस क्रिया के साथ में स्म का प्रयोग किया जाता है उस क्रिया का अर्थ उस क्रिया रूप का अर्थ वर्तमान काल न होकर भूतकाल हो जाता है या दूसरे शब्दों में कहें तो स्म एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग वर्तमानकालिक क्रियाओं को भूतकालिक क्रिया बनाने में प्रयुक्त किया जाता है यहाँ गच्छत स्म के स्थान पर यदि हमें भिन्न रूप रखना हो तब हम रख सकते हैं क्या रख सकते हैं जैसे यहाँ पर यह जो रूप है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में ले जाना पड़ेगा तो गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप क्या होता है अगच्छत अगछताम अगच्छन तो गच्छत स्म के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा अगछताम तो प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गांधीन दर्शनार्थम सेवा आश्रम अगछताम ऐसा कहना पड़ेगा तो गच्छता स्म के स्थान पर अगछताम को हम रख सकते हैं अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा क्यों क्योंकि स्म जो है वह भूतकालिक अव्यय पद है जो वर्तमानकालिक क्रिया पदों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक रविवार को पिता और पुत्र धनीराम और आत्मानंद या तोलेन्द्र धनीराम और तुलेन्द्र गांधीन दर्शनार्थम गांधीजी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे तत्र त्र बाेन्द्र गांधीन भ्रमण सहायक आसीत वहाँ बालक तुलेन्द्र गांधी गांधीजी के भ्रमण सहायक आसीत भ्रमण में सहायक बनते थे भ्रमण सहायक धन च धन आसीत तो प्रति रविवासरे प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र पिता धनीराम और पुत्र तुलेंद्र गांधीन दर्शनार्थम गांधीजी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम सेवा आश्रम जाते थे तत्र वहाँ बाल तुलेन्द्र बालक तुलेंद्र गांधीन भ्रमण सहायक आसी वहाँ बालक तुलेंद्र जो है वो गांधी जी के भ्रमण सहायक हुआ करते थे सहायक चासित सहायक धन च धन आसित इति सहायक चासित सहायक धन च संधि च धन आसित यहाँ दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ तो वहाँ बालक तुलेंद्र जो है गांधी जी के भ्रमण सहायक होते थे जैसे आप चित्र में देख भी पा रहे हैं दोनों गांधी जी और बालक तुलेंद्र जा रहे हैं और बालक तुलेंद्र जो है उनकी लाठी पकड़े हुए आगे चल रहे हैं गांधी जी पीछे चल रहे हैं तो इस तरह से वे दोनों यहाँ वहाँ कहीं भ्रमण करते थे अत्र यहाँ ही अत्र धन एव अत्र मतलब होता है यहाँ एव का मतलब होता है ही ये दोनों अव्यय पद हैं तो अत्र मतलब यहाँ एवं मतलब ही तो अत्र यहाँ वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ अत्र धन एव अत्र इसका तात्पर्य होता है यहाँ ही तस्य बाल मनसी उनके बाल मन में कस्य बाल मनसी तुलेंद्र से बाल मनसी तुलेंद्र के बाल मन में अर्थात तुलेंद्र बच्चा था उसके उस बाल मन में सेवा भावना बीजम स्फुटितम सेवा भावना का बीज जो है प्रस्फुटित हुआ कैसे गांधी जी के संगति में रहने के कारण गांधी जी के विषय में आप सभी जानते हैं गांधी जी अपना स्वयं सब काम जो है स्वयं किया करते थे और गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती आश्रम वहाँ जितने लोग रहते थे वे सभी जो है अपना काम स्वयं करते थे जो दीन दुखी पीड़ित होते थे उनकी सेवा गांधी जी स्वयं करते थे चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पशु हो कोई बीमार हो जाता तो उनकी सेवा गांधी जी स्वयं करते थे तो इन चीज़ों को देखकर बालक तुलेंद्र के मन में भी इस तरह का सेवा का बीज जो है उत्पन्न हुआ पित्रा सह, पिता के साथ बरबंदा ग्रामे अस्य शैशवम छात्र च व्यतीतम पित्रा पितृ मूल शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर्य होता है पिता से लेकिन यहाँ पर सह का योग हुआ है पित्रा सह इसलिए पिता के साथ तो सह योगी तृतीय भवाती तो सह यह अव्यय यह भी अव्यय पद है और इसका प्रयोग जो है उप पद विभक्ति प्रकरण में आप पढ़ते हैं वहाँ आपने पढ़ा है सह योगे तृतीया अर्थात सह का योग किसी शब्द के साथ होता है तो उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है तो सह का योग यहाँ पितृ शब्द के साथ हुआ है इसलिए पिता शब्द में षष्ठी न होकर के तृतीया हुआ है तो यहाँ पर पितु नहीं करके क्या कहा गया है पित्रा कहा गया है और तात्पर्य क्या है अर्थ क्या है उसका पिता के तो पित्रा सह पिता के साथ बरबंदा ग्राम में बरबंदा नामक गाँव में जैसे कि आप देख पा रहे हैं बरबंदा गाँव ये रायपुर जिला में है रायपुर से जो बिलासपुर के लिए रेल रास्ता गया है वहाँ पर रास्ते में गाँव पड़ता है बरबंदा तो उस बरबंदा गाँव में अस्य सैशव इनका शिशु अवस्था किनका शिशु अवस्था स्वामी आत्मानंद का शिशु अवस्था तो शिशु अवस्था में उनका क्या नाम था उनका नाम था तुलेंद्र तो अस्य तो तुलेंद्रस् तुलेंद्र का शैशवम शिशु अवस्था छात्र जीवनम च और छात्र जीवन व्यतीतम व्यतीत हुआ तो पिता के साथ बरबंदा गांव में ये रहते थे तो बचपन में वे वहीं पढ़े भी तो इस तरह से उनका जो शिशु अवस्था था और जो छात्र जीवन था प्रारंभिक शिक्षा का अवस्था था वह पिता के साथ बरबंदा गांव में संपन्न हुआ किसका तुलेंद्र का तेन उनके द्वारा सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्यार्य प्रतिभा प्रतिस्थापिता अब तुलेंद्र जितनी परीक्षाओं में वो बैठते थे जितनी परीक्षाएं वे देते थे उन सभी परीक्षाओं में विभिन्न कक्षाओं की विभिन्न परीक्षाएं होती हैं तो उन परीक्षाओं में वे सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे तो इस तरह से उन्होंने तात्कालिक समय में अपनी प्रतिभा प्रत्येक कक्षा में स्थापित किया अर्थात अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी बुद्धि के बल पर अच्छे अंक लाकर वे शिक्षकों की नज़र में आए एक पंचासत उत्तर पंचासत अधिक सहस्त्र तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयन एम एस सी उपाधि स्वर्ण पदक च प्रदत्ते सन उन्नीस सौ में नागपुर विश्वविद्यालय से एम एस सी स्नातकोत्तर की उपाधि है आप जानते हैं स्नातकोत्तर की विभिन्न उपाधियाँ होती हैं स्नातकोत्तर की जो उपाधियाँ होती हैं विभिन्न संकाय के अनुसार से अलग अलग होता है जैसे जो कला संकाय में स्नातकोत्तर करते हैं वे एम कहलाते हैं और जो कामर्स वाले विद्यार्थी होते हैं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी होते हैं वे एम कम ये उनके स्नातकोत्तर उपाधि कही जाती है और इसी तरह से जो विज्ञान के छात्र स्नातकोत्तर उपाधि धारण किए होते हैं वे एम कहलाता है और आप सभी जानते हैं स्नातको स्नातकोत्तर की जो उपाधि होती है ये विषयगत होती है अर्थात प्रत्येक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है किसके द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा किसी न किसी विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक की जो उपाधि दी स्नातकोत्तर की जो उपाधि दी जाती है वह विषय अनुसार होती है तो इन्होंने एमएससी विशुद्ध गणित विशुद्ध गणित में इन्होंने एम की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदकमच प्रदत्ते स्वर्ण पदक के साथ इन्होंने प्राप्त किया ये स्वर्ण पदक क्या है स्वर्ण पदक किसको मिलता है जब किसी विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं उपाधि परीक्षाएं ली जाती हैं उन परीक्षाओं में जो व्यक्ति सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है प्रथम श्रेणी होना चाहिए एक दूसरी शर्त है कि उसके लिए सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र को स्वर्ण पदक दिया जाता है तो इस तरह से वह तुलेंद्र नागपुर विश्वविद्यालय से गणित में उन्होंने एम एस सी अर्थात स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किया और वह उपाधि उस विश्वविद्यालय में गणित में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले वे छात्र रहे इसलिए इन्हें विश्वविद्यालय की ओर से स्वर्ण पदक दिया गया सर्वोच्चाकम प्राप्य सर्वधन उच्च धन अंकम इति सर्वोच्चाकम सर्वधन उच्च गुण स्वर संधि उच्च धन अंकम यहाँ दीर्घ स्वर संधि तो सबसे अधिक अंक पाक, प्राप्य प्राप्त शब्द कैसे बनता है प्र धन आप धन ल्यप प्रत्यय के योग से बनता है प्राप्य और इसका तात्पर्य होता है प्राप्त करके तो सर्वोच्च अंकम प्राप्य सबसे अधिक अंक पा करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेंगुलर फेलोशिप प्राप्तवान सऊ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने रेंगुलर फेलोशिप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया और इस तरह से नागपुर विश्वविद्यालय से एम में स्नातकोत्तर के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें रेंगलर फेलोशिप प्राप्त हुआ और वे कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आगे अध्ययन के लिए गए अनंतरम पश्चात भारतीय प्रशासकीय सेवापरीक्षायाम भी सफलता प्राप्तवान परंतु मौखिकपरीक्षा त्यक्तवान तदनंतरम तेन स्वजीवनम श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरण समर्पित अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायाम भी सफलता प्राप्तवान बाद में वे भारतीय प्र प्रशासकीय सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं ये वे परीक्षाएं होती हैं जिन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी बैठते हैं वे आई ऑफिसर बनते हैं या आईपीएस अधिकारी बनते हैं आई एफ एस बनते हैं और आई आर एस जैसे जो विभिन्न अधिकारियों के पद होते हैं इन अधिकारियों के जो पद हैं वे प्रशासकीय सेवा में बैठने वाले विद्यार्थियों को मिलता है कब जब ये इन परीक्षाओं के जो विभिन्न चरणों में जो परीक्षाएं होती हैं इन परीक्षाओं को जो सफल में जो सफल होते हैं उन्हें ये आई ए एस आई पी एस आई एफ एस या आई आर एस जैसे जो अधिकारी पद हैं इन अधिकारी पदों में चयन इन विद्यार्थियों का होता है तो इस परीक्षा में तुलेंद्र जो है बैठे और उसमें सफलता प्राप्तवान सफलता भी उन्होंने प्राप्त किया परंतु मौखिक परीक्षा त्यक्तवान विभिन्न स्तर पर परीक्षाएं होती हैं उन सभी स्तरों को उन्होंने पार किया और अंत में एक स्तर और होता है वो होता है मौखिकी परीक्षा का जिसे कहा जाता है इंटरव्यू भी कहा जाता है तो मौखिक जो परीक्षा होता है उसको उन्होंने छोड़ दिया अर्थात तो मौखिक परीक्षा उन्होंने नहीं दिया यदि वो मौखिक परीक्षा दिए होते तो वे भी आज अधिकारी पद में उस समय अधिकारी पद में उनका चयन हो गया रहता लेकिन उन्होंने मौखिक परीक्षा को त्याग दिया अर्थात तो मौखिक परीक्षा उन्होंने नहीं दिया तदनंतरम उसके पश्चात तेन उनके द्वारा स्वजीवनम अपना जीवन श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम उसके बाद उन्होंने अपना जीवन श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया अर्थात श्री रामकृष्ण परमहंस जो हैं वे उनके अनुयायी बन गए और विवेकानंद के मार्ग पर चलने लगे दीन दुखी पीड़ित और गरीब जो होते थे इनके सेवा सत्कार में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और इसके लिए उन्होंने माध्यम चुना कि विभिन्न स्थानों पर रामकृष्ण आश्रम की स्थापना करना तो इसके लिए उन्होंने अपने विभिन्न जो संगठन कौशल है इनका उपयोग करते हुए जो अपनी विचारधारा से जुड़ने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को साथ लेकर उन्होंने कार्य किया और वे अपने कार्यों में इस तरह से रत हो गए अनेक स्थानों पर विभिन्न आश्रमों की उन्होंने स्थापना किया और जीवन पर्यंत इन्हीं सेवा कार्यों में वे लगे रहे तो इस तरह से स्वामी आत्मानंद ने अपना जो ध्येय मंत्र था यत्र जीवः तत्र शिवह इसका जीवन भर पालन किया और हम सबके समक्ष आदर्श रूप में एक महात्मा के रूप में स्थान बनाने में वे समर्थ समर्थ हुए निश्चित रूप से उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणाप्रद है उनके बताए मार्गों पर उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके जो प्रवचन हैं इनसे हमें और समाज को निरंतर दिशा मिलती रहेगी प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा स्वामी आत्मानंद आइए अब इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन्हें देखते हैं शब्दार्थ हैं ईदृश ईदृश का तात्पर्य होता है ऐसा कियंत कियंता का तात्पर्य होता है कितने कामये कामये का तात्पर्य होता है कामना करता हूँ या चाहता हूँ ये इच्छा जो शब्द है उसके पर्याय के रूप में यह प्रयुक्त होता है यह प्रयुक्त किया जा सकता है पुनर्भवम पुनः धन भवम पुनर्भवम इसको कहते हैं पुनर्जन्म या मोक्ष आरती आरती का तात्पर्य होता है दुख परिपूत परिपूत का तात्पर्य होता है पवित्र हुआ स्फुटितम इसका तात्पर्य होता है अंकुरित हुआ अपूर्वम न पूर्वम अपूर्व नैतत्पुरुष समास इसका तात्पर्य होता है जो पूर्व में ना हुआ हो प्रतिष्ठता स्थापित हुए व्यतीतम व्यतीतम का तात्पर्य होता है बिताया या व्यतीत किया प्राप्तवान प्राप्त किया प्र धन आप धन अक्तवतु प्रत्यय के योग से शब्द बनता है प्राप्तवान और इसका तात्पर्य हुआ प्राप्त किया प्यारे बच्चों अब इस पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं आइए हम उन्हें हल करते हैं प्यारे बच्चों आइए इस पाठ के प्यारे बच्चों इस पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हल करते हैं सबसे पहले जो निर्देश दिया होता है इन्हें हमें भली भांति पढ़ना और समझना चाहिए क्योंकि आजकल विभिन्न परीक्षाओं में जो परीक्षा के निर्देश होते हैं ये भी संस्कृत में ही होते हैं तो निर्देश संस्कृत में रहता है इसको भली भांति पढ़ना है और समझना है क्योंकि जब तक हम निर्देश को नहीं समझेंगे तब तक क्या करना है ये हमें पता नहीं चलेगा तो आइए हम देखते हैं अभ्यास अभ्यास एक नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो ये कहा गया कभी कभी ये जो निर्देश है ये संस्कृत भाषा में लिखने के लिए कहा जाता है उत्तर या कभी हिंदी में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है तो प्रश्न वे ही हो सकते हैं केवल निर्देश को बदल दिया जाए तो उसके उत्तर आपको दूसरी भाषा में लिखने के लिए कहा जा सकता है इसलिए ऐसा न हो कि यहाँ निर्देश संस्कृत में लिखने के लिए कहा गया है केवल आप संस्कृत में उत्तर तैयार करें और इन्हीं प्रश्नों को हिंदी में उत्तर लिखने के लिए कह दिया जाए तो समस्या हो जाए ऐसा नहीं करना है इसलिए हमें क्या करना है जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हिंदी में क्या होंगे संस्कृत में क्या होंगे ये दोनों हम समझने का प्रयास करेंगे आइए पहला प्रश्न आत्मानंद से पितु नाम किम प्रश्न भली भांति समझ में आ रहा है प्रश्न का हिंदी अर्थ होता है, है आत्मानंद के पिता का क्या नाम है तो पाठ आप लोगों ने भली भांति पढ़ा है तो पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है आत्मानंद से पितु नाम किम इस वाक्य में किम जो है ये क्या है ये प्रश्न सूचक शब्द है हम उत्तर देते समय प्रयास करेंगे कि प्रश्न की भाषा में हम उत्तर दें तो इसलिए जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर उत्तरवाचक शब्द को स्थापित कर देंगे तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा तो स्वामी आत्मानंद से पिता नाम किम स्वामी आत्मानंद के पिता का क्या नाम है यह प्रश्न है क्या नाम है आप लोगों ने पांच भली भांति पढ़ा है बिल्कुल सही धनी राम तो आप देखिए केवल धनी राम बस लिख देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा क्यों क्योंकि एक पद में यदि उत्तर मांगा जाएगा तब हम वैसा कर सकते हैं लेकिन वैसा कुछ नहीं कहा गया है इसलिए क्या कहेंगे पूरे वाक्यों में हमें उत्तर देना है तो आत्मानंद से पितुह नाम अब किम के स्थान पर हमको लिखना है क्या धनी राम तो आत्मानंद से पितुह नाम धनी राम आत्मानंद के पिता का नाम धनी राम है यह हिंदी में अर्थ हुआ तो इस तरह से हम संस्कृत में और हिंदी में उत्तर दे सकते हैं तो दोनों भाषाओं में कैसे उत्तर होगा कैसे उत्तर दे सकते हैं ये हमें समझना है आइए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है आत्मनंदस्य जन्म कदा अभवत इस वाक्य में कदा यह प्रश्न सूचक शब्द है तो इसके स्थान पर ही हमें उत्तरवाचक शब्दों को लिखना है प्रश्न क्या है आत्मानंद से जन्म कदा अभवत आत्मानंद का जन्म कब हुआ यह प्रश्न पूछा गया है तो पाठ हमने पढ़ा है तो उसके आधार पर हम उत्तर देते हैं तो आत्मानंद जन्म 6 अक्टूबर नव विंशति अधिक नवशतोत्तर तमे वर्षे अभवत ये हम संस्कृत में लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर उन्नीस तीस को हुआ हो गया बस इतना ही करना है आगे आत्मानंद बाल्यकालस्य से नाम किम आसीत आत्मानंद का बाल्यकाल का नाम क्या था ये हिंदी में तो आत्मानंद के बाल्यकाल का नाम बचपन का नाम क्या था यह पूछा जा रहा है तो आत्मानंद के बचपन का नाम क्या था बिल्कुल सही उनके बचपन का नाम था तुलेंद्र तो उत्तर हमको किस में लिखना है पहले संस्कृत में लिखना है तो आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम देखिए प्रश्न की भाषा में उत्तर देना है केवल किम जो लिखा हुआ है इस वाक्य में उसके स्थान पर हमको उत्तरवाचक शब्द को स्थापित करना है तो आत्मानंद से से नाम तुलेंद्र आसित आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था इतना कर दीजिए हो गया अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र संस्थापित रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र का मतलब होता है कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है तो हमने पाठ पढ़ा है तो पाठ के आधार पर हम उत्तर देंगे तो राम कृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र संस्थापित कृष्ण मिशन आश्रम बस्तर के वन प्रांत में नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है ऐसा हिंदी में उत्तर लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम आत्मानंद के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम गीता तत्व चिंतनम अस्ति अस्थि को आप लगा भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी लिखें तो आत्मानंदन लिखित से नाम गीता तत्वचितन आत्मानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम गीता तत्व चिंतन है हो गया अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद रायपुरे कति वर्षम व्यतीतवान स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में कितना समय व्यतीत किया तो उत्तर क्या होगा स्वामी विवेकानंद रायपुर में रहे हाँ रहे कितने दिन रहे दो वर्ष रहे बिल्कुल सही तो इसको उत्तर किस में लिखना है संस्कृत में लिखना है कैसे लिखेंगे आइए स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विवर्षम व्यतीतवान स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में दो वर्ष व्यतीत किया तो हो गया बच्चों अभी हमने जिस तरह से अभ्यास के प्रश्नों को हल किया ये केवल एक नमूने मात्र हैं विभिन्न परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या अभी हमने जो पाठ पढ़ा स्वामी आत्मानंद इस पाठ के आधार पर भी दूसरे या भिन्न प्रश्न बनाकर दिए जा सकते हैं उनको आपको हल करना होगा